और प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं। सो वीडियो स्पेशली 11th वालों के लिए होने वाली है, और 11th में जो बच्चे जो हैं अब एडमिशन लेंगे उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, डोंट स्किप इट, एंड वेलकम टू माय चैनल बेसिक ज्ञान की, माय सेल्फ कुसुम। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब हम 11th क्लास में जा रहे होते हैं, मतलब 11th क्लास में जाने वाली जो फीलिंग होती है, दैट इज वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल। मतलब हम लोगों को रहता है कि वाओ, अब हम बड़े हो गए हैं, 10th क्लास क्लियर हो गई है, 11th 12th बस 2 साल है, उसके बाद हम लोगों को कॉलेज में जाना है, और कॉलेज में तो अपनी मस्ती चलेगी, हमें यूनिफॉर्म नहीं पहननी पड़ेगी, हम अपनी मर्जी से रह सकते हैं, हम अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, आवारागर्दी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे थॉट्स जो हैं वो कॉमन है, बच्चों के दिमाग में आते हैं, क्योंकि बेचारे 12वीं तक जो है 12-13-14 साल जो है वो एक ही चीज, एक ही क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग मेन चीज ये आती है कि अब 11th में जाओगे और 11th में कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसे तो देखने के लिए मिलेंगी, और एनवायरमेंट जो है वो थोड़ा सा नया भी होगा, क्योंकि अब आप एक जूनियर से सीनियर विंग की तरफ जा रहे हो, है ना। और एक चीज का आपको लोगों को जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, दैट इज कि बोर्ड ऑफ 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम्स आप लोगों को इसमें ही देखने के लिए मिलेंगे। तो जो 11th क्लास होती है ना बच्चे, वो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए ही बनाई जाती है कि बच्चा 12th क्लास, जैसे कई सारे बच्चे क्या कमेंट करते हैं रिजल्ट के टाइम कि मैम हम 11th के बिना बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं क्या, मतलब कि 11th के बिना हम बोर्ड में क्वालिफाई कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपने 11th क्लास नहीं की है, जो 11th क्लास होती है ना, जो 11th क्लास होती है ये बेस होता है आपका, बेस ऑफ 12th। इसमें आपको 12th क्लास के बारे में पूरा समझाया जाता है, बताया जाता है कि 12th क्लास के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, कौन कौन से आपके पास प्रॉब्लम आएंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, किस तरीके का लेवल होगा, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। ओके, और ध्यान से सारी चीज़ें समझिएगा अच्छे से, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट रहे। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है एक जो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, केयरलेस स्टडी। केयरलेस स्टडी का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे बच्चों को ये रहता है कि बोर्ड की तो है नहीं, स्कूल में इसके पेपर होंगे, स्कूल में इसका रिजल्ट बनेगा, और ज़्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जो 11th क्लास है ना, इसी में आपको वो सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन अच्छे से करवाई जाएगी जो कि आप बोर्ड एग्जाम दोगे। 12th क्लास की पूरी प्रिपरेशन आपकी 11th क्लास में करवाई जाती है, डजंट मैटर यू आर फ्रॉम आर्ट फील्ड, कॉमर्स फील्ड, मेडिकल और नॉन मेडिकल फील्ड, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स आपके 11th में आपको प्रिपेयर करवाते हैं, सो दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन योर बोर्ड एग्जाम इन 12th, ठीक है बच्चे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, केयरलेस होकर पढ़ाई नहीं करनी है। 11th क्लास है मानती हूँ, लेकिन इसके अगले साल आपको 12th करना है, वो भी बोर्ड, ठीक है। 10th क्लास बोर्ड थी ना, उससे ज़्यादा थोड़ी डिफिकल्ट 12th क्लास बोर्ड होगी। ओके, उसके बाद आ जाती है डिफरेंट स्ट्रीम्स का मतलब यहाँ पर ये आ जाता है कि सिंपल सी बात है कि अब 10th तक तो हम लोगों ने सेम ही क्लासें पढ़ी हैं, सब ने सेम सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बट यहाँ पर थोड़ी सी अलग बात ये आ जाती है कि अब आर्ट्स वाले जो है वो ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री इनकी तरफ बढ़ेंगे, और कॉमर्स वाले जो है वो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स इसकी तरफ बढ़ेंगे, साइंस वाले जो है, मेडिकल वाले जो है वो साइंस डीपली तरीके से पढ़ेंगे, पीसीएम वाले जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से डीपली तरीके से पढ़ेंगे। तो सबके आगे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग आपका पढ़ाई का लेवल होता है, तो वो आपको ध्यान से करना है, क्योंकि 11th क्लास में अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते तो बोर्ड में आपके कंपार्टमेंट होने के चांसेस 99% रहते हैं, ठीक है। इसलिए आपको 11th क्लास में बहुत ही सजग होकर, बहुत ही ज़्यादा आपको एक्टिव होकर पढ़ाई करनी है कि एटलीस्ट आप 80+ स्कोर अपना 11th में टारगेट बना के रखेंगे, ठीक है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 9th और 11th के अंदर, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, दैट्स गुड, अदरवाइज आई एम ऑल्सो अगेन रिपीटिंग, 9th और 11th के अंदर आप लोगों को अब कंपार्टमेंट देखने के लिए मिलेगी। क्यों ये इस तरीके का स्टेप उठाया गया है? ताकि बच्चों को 10th और 12th क्लास के रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा पाए कि हाँ, इस तरीके का आपका रिजल्ट बनेगा, इस तरीके से आपके सारी चीज़ें होंगी, और आपको थोड़ा सा एक नॉलेज रहे कि हाँ, अगर हम लोग फेल हो जाते हैं तो हमारे कंपार्टमेंट आते हैं, इस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। सो यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ओके, दिस इज योर लाइक प्रैक्टिस इन 9th एंड 11th। सो ये भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखनी है। बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा होता है जब हम 10th में बहुत अच्छा स्कोर करके आगे से जाके, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खुश रहते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा स्कोर आ गया है और अब हम लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं, अब हम 11th में जाएंगे, खुशियाँ होती हैं, है ना, दिमाग में। तो आप लोगों को थोड़ा सा बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी मजे करते हुए, एंजॉय करते हुए, अपना फ्रेंड सर्कल बनाते हुए पढ़ाई पर ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ओके, कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ आए, डू कमेंट, एंड इफ यू हैव एन डाउट सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, इन डिस्क्रिप्शन यू विल गेट ऑल द लिंक्स। ओके बच्चा, कोई भी डाउट हो और कोई टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हो, ये भी एक बच्चे ने टॉपिक सजेस्ट किया था, सो आई मेक वीडियो ऑन इट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट जेन्युइन टॉपिक के साथ, सो प्लीज डू कमेंट इफ यू हैव इन योर माइंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।